देखो एक ओर न कुंदनपुर, एक ओर न चंदेरी। कुंदनपुर में दमयंती का खुद का घर और चंदेरी में दमयंती की मौसी। मन में विचार करती है कि कुंदनपुर जाएगी तो बाबू छो माओगा राजा नलकड़ा है। चंदेरी में अपनी मौसी के यहां चली जाती है। मौसी दमयंती को नहीं जाना करती, दमयंती भी मौसी को नहीं जाना करती। दासी लग जाती है और बताते हैं दासी वाले काम करण लगी कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी, उल्टाए चल पानी, दासी बनकर रहन लगी खुद दमयंती रानी। महारानी मन कहा करें थे बोर बिखरगी मेरी, राजपाट धनमाल जिता के कर दी डुब्बा ढेरी, सिंगणी सूती छोड़ दे वो कड़े डगर गया केरी। इतनी कह के दमयंती ने कई कई आंसू गेरी, आख्या मासू आ जाते हैं। बताते हैं उधर से सुदेव ब्राह्मण किसी तरह से पता चल जाता है कि राजा नल ऋतुपर्ण राजा के बाहुक नाम से रथवान बना हुआ और वो दमयंती अपनी मौसी के घर में है। वहां से वो ब्राह्मण सुदेव उस दमयंती को अपने पिता के पास चला ले जाता है। और जब राजा भीमसेन ने अपनी बेटी देखी बड़ा राजी हो गया कि बालक भी आ गए और छोरी भी आ गई, ये तो एक कसर रह गई, राजा नल और किसी डाल मिल जाए तो मौज हो जाएगी। देखना भगवान का शुक्रिया अदा करता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है। और वो राजा भीमसेन एक भजन के माध्यम से क्या कहता है, क्या बता जग में श्याने निराली है, और सब की लाजी बचावन आए या तेरे हाथ में तारी है। दमयंती के ना पाने ते यो मुर्दा कैसा चेहरा था, खाना पीना रास नहीं और उजड़ सा घर मेरा था। और दमयंती के दुखी होने का देवता तक भी मेरा था, दमयंती के दुखी होने का देवता तक भी मेरा था। मुझे पता ना दिया किसी ने, मुझे पता ना दिया किसी ने, या जिसने देखी भारी है
मेरे भाई श्रीपाल परमार जी सावर गांव से 51 पर सम्मान सम्मान किया, पहले भी मां आशीर्वाद या बार बार धन्यवाद। जय भोले रोड लाइन्स, जय भोले रोड लाइन्स जयपुर। हमारे भांजे भाई संजय शर्मा जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, भाई संजय का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। हे बेटी, हे जब तक तू नहीं पाई थी ना, मन कड़ा कड़ा टोई, तू कड़ा कड़ा टोई। मेरे भाई बबलू यादव जी 51 रुपए से बाबा के मान सम्मान करते हैं भंडारे में, इस कीर्तन में बार बार धन्यवाद है। हे बेटी कड़ा कड़ा टोई थी, क्या कहते हैं, शंकर संग पार्वती वो ढूंढ्या आप कैलाश मन, और कोई जगह भी छोटी कोना जड़े कथा विश्वास मन। आज कितने दिन में देखा से यो बेटी का प्रकाश, कितने दिन में देखा से यो बेटी का प्रकाश मन। हुई शांति मेरे मन में, हुई शांति मेरे मन में, जब दमयंती घर आली है, कितना है छपा लो, जैसा कर्म करेगा भरना पड़ेगा। तीसरी कली में दादा लक्ष्मीचंद ने प्योर ब्रह्म ज्ञान राजा भीमसेन के मुख से कि हे महाराज, हम तो सब की जानो सो, फिर तेरी कोई नहीं जानता, तू एक पल में के कर दे। ये क्या कहा है, कौन जगत में तारे शिवा, कौन जगत में तू दर पानी छानो, तुम पापी के करो पाप नष्ट, धर्म का पर्दा तारो, तुम मन चित्त बुद्धि तन की सुधि सच्ची गति पे छानो, तुम और खोटे खरे आचरण जिनके भली बुरी न जानो, तुम खोटे खरे आचरण जिनके भली बुरी न जानो, फिर दिव्य दृष्टि जाहिर करके, दिव्य दृष्टि जाहिर करके भक्ता की जान बचा ली है, आरे सब तेरे हाथ में, जीवन करता है।
आखिरी कली आपके बीच में, उसके बाद हमारे भाई बहुत अच्छे कलाकार धीरे धीरे आपके बीच में आते रहेंगे, भाई दीपक जी चिड़िया आपके बीच में होंगे, लेकिन लास्ट कली में गौर से सुनना। राजा भीमसेन बेटी दमयंती के आने से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन खुशी के साथ साथ राजा नल के मन में बड़ा दुख, राजा भीमसेन के मन में बड़ा दुख के बेटी तो आ गई, वो बंदड़ा कड़े रह गया। आखिरी कली में हे भगवान, गौर करना लोगों, ऐसा हो जाए कई बार, मान लो कोई आदमी मृत लोक से चले आ जा और आपस में घना प्रेम हो, तो एक बार तो आंख बंद हो जाए, भाई क्यों कर जीवोगा इसका बिना, लेकिन 12-13 दिन पाछे वो ही मेला वो ही ठेला, ये भी माल्य करता है, ये शक्ति भी परमात्मा देता है। आखिरी कली में गौर से सुनना क्या कहा है। विश्वास ज्ञान से फांसी काट धरो गलती, करी माया कोई जान सके ना, हम जानो सब के दिल की, सब बातां के आनंद होगे इब कसर रही राजा नल की, सब बातां के आनंद होगे कसर रही राजा नल की, और लक्ष्मी चंद कष्ट मेट दो, लक्ष्मी चंद कष्ट मेट दो, सुरत भजन में लाली है।